बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं सम्मालूमात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजी पैसा में एक नंबर पर अकाउंट आपका रजिस्टर्ड है और आप चाहते हैं कि भाई इस नंबर को हटा के हम दूसरा नंबर लगाएं, तो इस तरह जब आप करते हैं, नंबर चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करते हैं, साइन आउट करते हैं, दोबारा से आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, सेम नंबर पर अकाउंट खुल जाता है। लेकिन आप इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि भाई हम अगर इसमें नंबर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊँगा कि भाई आप कैसे इजी पैसा एप्लीकेशन में नंबर को चेंज कर सकते हैं। एक नंबर आपका रजिस्टर्ड है, आप उस नंबर को हटाएंगे और वहां पर दूसरा नंबर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ये चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि भाई आपने कैसे करना है। आप देखें, इजी पैसा एप्लीकेशन को जब इस्तेमाल करते हैं उसके बाद वहां सेटिंग में जाकर आप उसको साइन आउट करते हैं तो आपका अकाउंट साइन आउट हो जाता है लेकिन आपका नंबर नहीं हटता। लेकिन जब दोबारा से आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो वो सेम नंबर पर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। दोस्तों, इसका सोल्यूशन लेके मैं आज की इस वीडियो के अंदर आया हूं कि भाई इस नंबर को हमेशा के लिए आप कैसे खत्म करके नया नंबर लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपको बताऊंगा कि भाई आप एक नंबर को हटा के वहां पर दूसरा नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है दोस्तों, आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें, आप इजी पैसा एप्लीकेशन में नंबर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसकी सेटिंग में अंदर आप ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सेटिंग नहीं है। आपने क्या करना है, अगर इजी पैसा ऐप से नंबर को ख़त्म करना है हमेशा के लिए और आपने दूसरा नंबर एंटर करना है तो फिर आपने क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर एक ऑप्शन तलाश करना है जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरे मोबाइल में जो ऑप्शन है एप्लीकेशन एंड परमिशन लिखा हुआ है, आपके मोबाइल में अलग हो सकता है। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन लिखा होगा या फिर ऐप लिखा होगा या फिर ऐप्स लिखा होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जाता हूँ एप्लीकेशन एंड परमिशन के अंदर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें लिखा हुआ है ऐप मैनेजर, तो यहाँ पर मैं ऐप मैनेजर पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सारा जो है ना, सारी गेम यहाँ पर छुपी हुई है। आप इजी पैसा के अंदर ढूंढते रह जाते हैं। ये देखें, इजी पैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पर 5-6 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर जाना है। आपके मोबाइल में अलग हो सकता है स्टोरेज लिखा होगा लेकिन स्टोरेज लाजमी होगा, तो यहाँ पर मैं इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करता हूँ। और ये देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैची लिखा हुआ है, क्लियर कैची पर क्लिक करूँगा, उसके बाद क्लियर डेटा पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, आपने क्या करना है, क्लियर कैची पर पहले क्लिक करना है, उसके बाद क्लियर डेटा पर क्लिक करना है। जैसे इन दोनों ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी इजी पैसा एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, समझो कि आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की है। दोस्तों, ये तरीका आप आजमा के देखें, 100% गारंटी दे रहा हूँ, उसके बाद आप दूसरा नंबर लगाएंगे तो इंटर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।